देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से कम होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी चेतावनी दी है। WHO का कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक हो सकता है। WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में ये ज्यादा संक्रामक होंगे। उन्होंने ये बातें वीकली ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा कि अगला वेरिएंट ज्यादा संक्रामक होगा और इसका मतलब ये है कि अभी जो तबाही मच रही है उससे कहीं ज्यादा तबाही मच सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगला वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं होगा, ये होगा या नहीं ये भी अभी बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अगला वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है और वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन की लहर में हम देख चुके हैं कि वैक्सीन गंभीर बीमारियों और मौत से बचाने में कारगर है। डेल्टा और ओमिक्रॉन कैसे आए? कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में मिला था। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। अल्फा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा 50% ज्यादा संक्रामक था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में दूसरी लहर आई थी। इससे कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। जून 2021 तक ये UK, इसराइल, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया था। नवंबर 2021 के आखिरी में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन कम गंभीर है, लेकिन ये उससे 2 से 4 गुना ज्यादा संक्रामक है। डॉक्टर वान केरखोव ने चेताते हुए कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समय के साथ कोरोना कमजोर पड़ता जाएगा। महामारी का अंत कब तक? दक्षिण अफ्रीका के स्टीव बीको एकेडमिक हॉस्पिटल में हुई एक स्टडी में कोरोना महामारी के जल्द अंत की ओर इशारा किया गया है। स्टडी के आधार पर संभावना जताई गई है कि ओमिक्रॉन महामारी को एंडेमिक फेज में लेकर आ गया है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।